लास्ट वाली लाइन रह गई थी, शिवन हन यानी ठंडा ठंडी खंग फारम्स तेज हवा माजी म्योनसो, यानी कि मत्ता का मतलब होता है कि वो आपको हिट कर रही है, छूसारुल मत्ता मैंने आपको बताया था ना, छूसारुल मत्ता इंजेक्शन आपको जैसे हिट करता है, तो उसको भी मत्ता का मतलब होता है किसी चीज का टच होना, हिट करना। तो शिवन हन खंग फारामुल माजी म्योनसो, म्योनसो ग्रामर लगी हुई है के साथ साथ जो है वो ठंडी और तेज हवा जो है उसका मजा लेते हैं, मजा लेता हूँ या वो मुझे टच करती है, हवा का को एंजॉय करता हूँ। छाजों कोरुल थारी था म्योन, अगर आप साइकिल पे सवार होंगे, यानी आप साइकिल पे सवार होंगे साथ आपको इस तरह की तेज और ठंडी हवा भी टच होगी। इलचुई रे, तो एक हफ्ते का स्ट्रेस, व स्ट्रेस बोलते हैं स्ट्रेस को, टेंशन जो होती है स्ट्रेस होता है, एक पूरे हफ्ते का, यानी पूरा हफ्ता जो बंदा ड्यूटी पे काम करता है उसका जो स्ट्रेस होता है वो, और फिर होगा, तो फिर होगा स्ट्रेस व फिर होगा, फिरो बोलते हैं आपकी जो थकावट होती है, फिरो किसको बोलते हैं, थकावट को, टायर्डनेस को, फटीग को, जो आपकी स्ट्रेस और थकावट है वो था फुल्ली मिदा, फुल्ली मिदा का मतलब है कि वो दूर हो जाती है। क्यों दूर होती है, कि आप अगर इस तरीके से साइकिल पे चढ़ेंगे और वो हंगंग दरिया में जाएंगे, एक तो दरिया का किनारा होता है और ऊपर से वो सीनरी इतनी ज़बरदस्त होती है, फिर शिवन हन ठंडी और खंगंग फाराम यानी तेज़ हवा जब आपके जिस्म को टच करती है, तो आपका अगर इस तरीके से आप साइकिल पे चढ़ेंगे तो इलचुइले यानी पूरे हफ्ते का, जब बंदा पूरा हफ्ता ड्यूटी करता है तो थकावट हो जाती है, स्ट्रेस हो जाता है, तो पूरे हफ्ते का स्ट्रेस और फिरो, फिरो बोलते हैं आपकी जो थकावट होती है, टायर्डनेस होती है, था फुल्ली मिदा, तो वो सारी खत्म हो जाती है, दूर हो जाती है। तो ये सारा पैराग्राफ मैंने आपको बड़ी डिटेल से बता दिया है, एक दफा इसको समराइज करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या बयान किया गया है, कि ये बंदा कह रहा है कि मैं हर वीकेंड पे जो है वो साइकिल पे साइकिलिंग करता हूँ, साइकिल पे सवार होता हूँ घर से लेकर हंगंग तक, यानी दरियाए हन तक, छाजोंको में अगर आना जाना करें तो तकरीबन 2 घंटे लगते हैं, और हिम छा गए यानी कि जोर से अगर साइकिल के पैडल मारें तो छाजोंको जो है वो हल्की हो जाती है, साइकिल जो है वो फ्री हो जाती है, तो ज़्यादा तेज़ दौड़ती है, और मैं यानी कि तेज़ साइकिल चलाता हूँ, तो खीरे से छो छुरम उसमें सड़क में या उस ट्रैक के ऊपर मेरी तरह छाजों को थानन सारा में मानस भी ना, मेरी तरह साइकिल चलाने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, तेज लाते हैं, तो फिर फ्योंगिल छुलतेकन शिकन, यानी कि आम दिनों में जो बस पे जो सीनरी नज़र आती है, मंजर नज़र आता है, उससे ये जो तजर्बा है, एक्सपीरियंस है, ये मुख्तलिफ है, इसमें ज़्यादा अच्छी चीज़ें नज़र आती हैं और ज़्यादा बेहतर सूरत हाल होती है, सिचुएशन होती है। उसके बाद ठंडी हवा और तेज़ हवा जब आपकी बॉडी को लगती है तो आपका पूरे हफ्ते का स्ट्रेस और पूरा जो आपकी फटीग और थकावट होती है वो दूर हो जाती है। ये पूरे पैराग्राफ को मैंने आपने आपको बड़ी डिटेल से समझा दिया है, वर्ड टू वर्ड भी समझा दिया है और कंबाइन करके भी समझा दिया। अब आते हैं जी सवाल की तरफ, सवाल क्या था, इस आरा में थे हन सुलम्योंग रो, इस बंदे के बारे में जो एक्सप्लेनेशन है नीचे दी हुई है, मन्नन गोसुल खोरो शिपशियो, जो सही है वो आपने पिक करनी है। इसका मतलब 3 बातें उन्होंने गलत लिखी होंगी, झूठ लिखी होंगी, 1 बात जो है वो उन्होंने इसके बारे में बिल्कुल सही लिखी होगी, हमने वही पिक करनी है। नंबर 1 है छुमल मादा फोस योहेंगुल हमीदा, छुमल मादा यानी हर वीकेंड पर बस योहेंगुल हमीदा बस के जरिए ट्रिप करता है, बस का ट्रिप करता है, हर वीकेंड को बस पर ट्रिप करता है, नहीं वो तो ड्यूटी पे जब जाता है तब बस पे जाता है। छुमल मादा छाजों कोरुल हमीदा, ये हर वीकेंड पे साइकिल पे चढ़ता है ना कि बस पे चढ़ता है, तो ये गलत ऑप्शन है, और हमने सही वाला करना था, गलत वाला करना था, मन्नन को था, हमने सही वाला करना है, तो ये ऑप्शन गलत है, बस पे नहीं बैठता बल्कि वीकेंड पे जो वो साइकिल पे बैठता है। नल मादा, नल बोलते हैं दिन को, नल मादा हर रोज, हर मादा हर और नल बोलते हैं दिन को, तो हर रोज छाजों को रो छुलथेगन हमीदा, वो हर रोज जो है वो साइकिल के जरिए जो है वो छुलथेगन करता है, ड्यूटी पे आता जाता है, तो नल मादा छाजों को रोल छाजों को रो छुलथेगन हमीदा, यानी हर रोज साइकिल के जरिए छुलथेगन करता है, छुलथेगन बोलते हैं ड्यूटी पे आता जाता है, तो ऐसी कहीं पे कोई बात नहीं लिखी हुई कि वो हर रोज ड्यूटी पे साइकिल पे आता जाता है, बल्कि उसने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो बस पे छुलथेगन फ्योंगिल छुलथेगन शिगाने फोस आने सो, यानी इसका मतलब है कि रोज जो है जब वो ड्यूटी पे जाता है तो बस के जरिए से वो जाता है, इसीलिए कह रहा है कि वो सीनरी जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होती है, तो साइकिल पे छुलथेगन नहीं करता बल्कि साइकिल वो फिर सिर्फ वीकेंड पे चलाता है, उसने ऊपर बताया, तो ये ऑप्शन भी गलत होगा। नंबर 3 पे आ जाते हैं जी, नल मादा थू शिगान, यानी हर रोज 2 घंटे उन दोंगुल हमीदा, हर रोज 2 घंटे एक्सरसाइज करता है, कहीं पे कोई ऐसी बात नहीं लिखी हुई, वो सिर्फ वीकेंड पे वहाँ पे जाता है, और जहाँ पे इसने कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि मैं हर रोज जो है वो 2 घंटे एक्सरसाइज करता हूँ, ये हमें कन्फ्यूज करने के लिए लिखा गया है। 4th ऑप्शन क्या है, छुमल मादा
हर वीकेंड पर छाजमकोरुल थागो साइकिल पर सवार होके हंगंग रोग हमीदा हंगंग की तरफ जाता है, यानी दरियाए हन की तरफ जाता है, सोल के अंदर एक बहुत पॉपुलर दरिया है उसकी तरफ जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। देखें यहाँ पे लिखी हुई है छोरुन छुमल मादा छाजमकोरुल थामीदा, यानी वीकेंड पे मैं साइकिल पर सवार होता हूँ। ची बेसो हंगंग काजी, यानी घर से लेकर हंगंग तक आने जाने का 2 घंटे लगते हैं। तो ये हर वीकेंड पे छुमल मादा लिखा हुआ ना, हर वीकेंड पे साइकिल पे बैठ के हंगंग जाता है। छुमल मादा छाजमकोरुल थागो साइकिल पर सवार होके हंगंग रोक हमीदा, वीकेंड पे जो है ये हंगंग की तरफ जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट होगा। और हमसे पूछा भी यही गया था खत्तन गोत मन्नन गोत, यानी इससे जो मैच करता है वो आपने पिक करना है। 3 जो है वो इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए गलत लिखे हुए थे और 1 जो ऑप्शन इन्होंने सही लिखा हुआ, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट होगा। आज के लिए जो है वो इतना ही, चूँकि आज जितने सवाल थे थोड़े लेंथी ज़्यादा थे, लंबे थे, उनके ऊपर टाइम ज़्यादा लग गया। तो चूंकि मेरी छुट्टी है कल भी, तो मैं कल कोशिश करूंगा कि थोड़ा ज़्यादा आपके लिए अपलोडिंग कर दूं। आपने मेरे लेसन्स को अच्छी तरह से सुनना है और जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, उम्मीद है कि अगर आप मुकम्मल फोकस करके अपनी जगह पे बैठ के और प्रॉपर क्लास का जैसा माहौल बना के आप अगर जो है मेरे क्लासेस लेंगे, तो कोई भी बंदा हो वो कहीं पर भी हो, वो अगर टाइम निकालेगा, आप इसका तरीका ऐसे किया करें कि आप इसको ड्यूटी के दौरान और अपने कामकाज के दौरान मेरी वीडियोस को बिल्कुल ना सुना करें। आप इसके लिए एक टाइम स्पेसिफाई कर लें, मिसाल के तौर पे शाम हो जाए, छुट्टी वाला दिन हो जाए, सुबह हो जाए। अभी जिनके पेपर्स हैं उनके पास तो टाइम ही कोई नहीं है, वो तो लगातार सुने, लेकिन अगर आफ्टर पेपर्स अगर कोई सुनना चाहता है, या ऐसे लोग जो मेरे यूट्यूब के चैनल्स को जस्ट फॉरन लैंग्वेज सुनने के लिए सीखने के लिए सुन रहे हैं, तो वो प्रॉपर जो है वो जैसे मैं बैठा हुआ आपके सामने, देखें पूरा एक इंतज़ाम करके बैठा हुआ हूँ मैं, रूम बंद करके और प्रॉपर अरेंज करके और बिल्कुल शोर शराबे से बच के आपको पढ़ा रहा हूँ। तो आपने क्लास लेते वक्त भी ऐसे ही करना है, आप जहाँ पे हों बिल्कुल अकेले हों, तनहा बैठ के मोबाइल हो या लैपटॉप हो अपने सामने रखे, तो आप मेरे लेसन्स को सुने और वर्ड टू वर्ड मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। पहले एक एक लफ्ज़ का मैं आपको मीनिंग्स बता रहा हूँ और अंग्रेज़ी आपके सामने मैं बिल्कुल नहीं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने जो अंग्रेज़ी में ट्रांसलेशनें लिखी हुई हैं ये इन्होंने बा मुहावरा लिखी हुई हैं, यानी उस सेंस में बात की है, वो आपको वर्ड टू वर्ड नहीं बताते, तो उस तरह आपको समझ ज़्यादा नहीं आती, ज़्यादा मुश्किल होता है। तो वर्ड टू वर्ड अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतरीन समझ आएगी, आप अपनी ट्रांसलेशन खुद बनाएं। ये नाउज़ुबिल्ला कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई हदीस या नाउज़ुबिल्ला कुरान मजीद की कोई वो है कि आप इसकी ट्रांसलेशन गलत कर लें तो आप गुनाहगार हो जाएंगे। बात समझना मकसूद होता है कि आप बात को समझने के काबिल हो जाएँ। तो इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा, रब ने चाहा, तो आपकी इम्प्रूवमेंट भी होगी और प्रॉपर आप इसको सुना करें। और फिर भी अगर कोई सवाल हो, किसी चीज़ की समझ नहीं आई, तो स्क्रीन पे जो राइट साइड पे मेरा नंबर चल रहा है, आप इस नंबर पे मुझे कॉल करें, व्हाट्सएप करें, कॉल से बेहतर है कि व्हाट्सएप कर लें, क्योंकि मैं ज़्यादा बिजी होता हूँ, तो आपको जो है वो अगर मैं ईजी हुआ तो आपको मैं प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्ड कर दूंगा, नहीं तो जब टाइम मिलेगा तो मैं आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगा। लेकिन ज़रूरत नहीं है, मैं इस इतना छोड़ता ही नहीं हूँ कि आपको मैं इस कोई ऐसी चीज़ हो के जो आपको पूछनी पड़े, लेकिन फिर भी अगर कोई हो तो आप उसको मुझसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और जिन स्टूडेंट्स ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, अपने KLT ग्रुप्स में दोस्तों के साथ शेयर करें जो लोग कोरियन सीखना चाहते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल से फ़ायदा उठा दें। और साथ जो है वो बेल आइकन के ऊपर लाजमी क्लिक करें, उससे ये होगा कि जो भी मेरी वीडियोज़ अपलोड होंगी, आप अगर अपने काम काज में मसरूफ़ हैं तो जैसे ही आप अपने YouTube खोलेंगे तो आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि हमारी वीडियो अपलोड हो चुकी है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।